लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस तरीके का ये सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर में जो है हमारे पास गैस फिल्ड है, ये गैस या एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके अंदर जो है फिल्ड हैं इस तरीके से, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं इसके अंदर इस तरीके से फिल्ड है। अब इस सिलेंडर के ऊपर जो है हम लोगों ने एक मूवेबल पिस्टन इस तरीके से लगा दिया, ये एक मूवेबल पिस्टन है इस सिलेंडर के ऊपर। लेट्स से कि ये जो एस है ये इसका सरफेस एरिया है, और इन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर इसके अंदर फिल्ड है, उसका जो प्रेशर है, लेट्स कंसिडर के अगर हम अगर ये कंसिडर कर लें कि इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है अगर वो आइडियल गैस है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो P0 होगा, और उसकी जो भी डेंसिटी होगी वो रो होगी, और जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो भी एयर के मॉलिक्यूल या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसी ना किसी वेलोसिटी के तहत ही रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अगर उस वेलोसिटी को मैं वी कह दूँ तो ये उसकी वेलोसिटी है। ये उस टाइम उस सिचुएशन की बात है जब हमारा टाइम जो है ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं इसके पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाइड करूँ, और एक फोर्स अप्लाइड करूँ या इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करूँ, तो आपको मालूम है कि जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो भी गैस किसी सिलेंडर के अंदर फिल्ड हो, तो वो जो उसका वॉल्यूम होता है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा, जिसे मैं इस तरह से बता देती हूँ कि वॉल्यूम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये इसका वॉल्यूम है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि अगर टाइम टी गुजरने के बाद मैं इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम जो है कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अब प्रेशर अप्लाई किया है। लेट्स से कि ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो है मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इनकी वेलोसिटी अभी भी वी होगी, लेकिन इसे हम वी डैश कह देते हैं, यानी कि टाइम टी गुजरने के बाद। चूंकि ये मूवेबल पिस्टन है, जैसे ही इस मूवेबल पिस्टन को हम लोगों ने किसी फोर्स के साथ कंप्रेस किया, तो ये जो प्रेशर हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है, इस प्रेशर ने इस मूवेबल पिस्टन को मूव कराया। पहले ये पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर आ गया, तो इसे ए से बी तक पहुंचने में इसने इतना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया। और आपको मालूम है कि अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ मालूम करना हो, और आपको वेलोसिटी भी पता हो, और कितने टाइम में वो हुआ है अगर ये भी मालूम हो, तो आप डिस्टेंस बता सकती हैं, यानी कि आपको यहाँ पर वी इंटू टी कहना चाहिए, और यहाँ पर जो वेलोसिटी कुछ टाइम गुजरने के बाद हुई, यानी कि वी डैश। जाहिर सी बात है, ये हमारी वो सिचुएशन थी जब टाइम ज़ीरो था, तो ये वो वाली सिचुएशन होगी जो आफ्टर टाइम टी है, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद की सिचुएशन है, जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया। ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है, ये इस गैस के जो पहले प्रेशर यानी इनिशियल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर, इसमें जितना भी चेंज आया उसके इक्वल होगा, यानी पहले इसका पी नॉट प्रेशर था, कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, तो जो भी हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मैंने कितनी नेट फोर्स इसके ऊपर लगाई है, इस सिस्टम के ऊपर कितनी नेट फोर्स हमने लगाई है, तो उस नेट फोर्स को मालूम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारा फाइनल प्रेशर है, इसे हम लोग पी डैश कह लेते हैं, फाइनल प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसका सरफेस एरिया, माइनस जो हमारा इनिशियल प्रेशर था वो इनटू सरफेस एरिया। एस जो है वो सरफेस एरिया के लिए शो किया जा रहा है। अब हमें मालूम है कि हमारा जो पी डैश है वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी के इक्वल है, तो ये एस से मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर माइनस पी नॉट एस है। जब भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पी नॉट एस प्लस डेल्टा पी इंटू एस माइनस पी नॉट एस आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो नेट फोर्स है वो डेल्टा पी इंटू एस के बराबर आ जाएगी, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमारी डेल्टा पी इंटू एस के इक्वल है। अब अगर इस सिचुएशन पे थोड़ा सा गौर किया जाए, तो आप देखें कि हम लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगाई है, और ड्यूरिंग टाइम लगाई है, यानी कि किसी वक्त के दौरान अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई जाए, तो ये फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, ये उस सिस्टम के अंदर इम्पल्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात कर दूँ कि हमारी नेट फोर्स इनटू टाइम, यहाँ पर कुछ और कलर इस्तेमाल कर लेना चाहिए,
अलग से ऑरेंज। तो हमें मालूम है कि नेट फोर्स इनटू टाइम जब भी आ जाए तो ये डेल्टा डेल्टा पी के बराबर होता है। डेल्टा पी यानी कि हमारा मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग डेल्टा एम इंटू वी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एफ नेट इंटू टाइम टी, यहाँ पर हमारी वो वाली वेलोसिटी आएगी जिससे हम लोग ने जिस उस वेलोसिटी को हम यहाँ पर लिखेंगे जिसके साथ हमारे गैस के मॉलिक्यूल जो हैं कंप्रेस्ड हुए हैं, जो कि वी डैश है। अगर मैं एफ नेट की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू लगाऊँ जो कि डेल्टा पी इंटू एस इंटू टी है, और यहाँ पर डेल्टा एम के लिए मैं अगर ये वाला एक्सप्रेशन लगाऊँ, चूँकि हमें मालूम है कि हमारे सिलेंडर में जो भी गैस फील्ड है उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी है, और डेंसिटी हमेशा मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। उस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम भी है और उसका कोई ना कोई मास भी होगा। तो अगर मैं मास एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो ये तो रो इंटू हमारे वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे रो इंटू वॉल्यूम इंटू वी डैश लिख लेना चाहिए। पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए कि वॉल्यूम क्या है, तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है उसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो वॉल्यूम है वो हमारा सरफेस एरिया इनटू जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग अगर डेंसिटी के साथ इसे एस वी टी इंटू वी डैश लिख लें, और यहाँ पे डेल्टा पी एस इंटू टी लिख लें, तो ये टी इस टी से कैंसिल, ये एस इस एन से एस 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 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो डेल्टा पी है वो इक्वल आ जाएगा हमारी वेलोसिटी इंटू वी डैश के। और यहाँ पर हमारी ये वाली वेलोसिटी भी रिमेनिंग है जिसे हम लोग वी कह लेते हैं। ये वो वाली वेलोसिटी है जो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों ने निकाली है, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हमारा जो सरफेस एरिया है उसके साथ। तो ये वाली वेलोसिटी वो वाली हो गई, और वी डैश वो वाली वेलोसिटी है जो हमारे मॉलिक्यूल्स को, एयर के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करने के बाद हमें मिली थी, वी डैश आफ्टर टाइम टी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, आखिर हम ये काम कर क्यों रहे हैं? हमें बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक रिलेशनशिप निकालना है। जैसे कि न्यूटन ने, हम लोगों ने जो पहले एक्सप्रेशन की बात की थी, न्यूटन के फॉर्मूला को जब हमने प्रूव किया था, तो हमने वहाँ पे सीखा था कि न्यूटन ने बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए जो है हमारे पास बस मॉडुलस होना चाहिए डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी, उस मीडियम की डेंसिटी जिसके द्वारा जिसमें हम जिसके बस मॉडुलस के साथ हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स ये कि अगर आप एयर में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एयर का बल्क मॉडुलस और एयर की ही डेंसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसी चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन था न्यूटन ने अपने फॉर्मूला में इस्तेमाल किया स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड भी आप इसे कह सकते हैं, ये स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है वी, ये स्पीड ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन किस तरीके से आया, तो हम उसी चीज़ को निकालने जा रहे हैं कि ये स्पीड ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन जो है इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए निकला। अब अगर बल्क मॉडुलस की बात की जाए तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो हमेशा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस जो होता है वो हमेशा, जो मॉडुलस होता है वो रेशो होती है हमारी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। सिमिलरली जो हमारा बल्क मॉडुलस है ये भी हमारी रेशो है, जो हमारा चेंज इन प्रेशर है डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वो चीज़ हमारी बल्क मॉडुलस कहलाती है। अब अगर इस सिचुएशन की बात की जाए, बल्क मॉडुलस को ही मैं अपना बेस बनाकर काम आगे लेकर जाऊं, तो डेल्टा पी तो हमें यहाँ से मिल जाएगा लेकिन जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी जो है ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है, और आपको मालूम है कि वॉल्यूम में चेंज उस वक्त आया जब हमने उसे कंप्रेस किया। तो भी जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम के लिए डेंसिटी में एक्सप्रेशन लगाया है कि सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस यानी कि वी इंटू टी लगा सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे वी डैश लगाना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज उस वक्त आया था जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल टी वी डैश हो गई थी। एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरी चीज़ ये कि जो वी नोड है, और ये भी बात है कि हमारा, हम लोगों ने जो वॉल्यूम का, जो पिस्ट वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन मूव किया था तो उस मूवेबल पिस्टन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और बल्क मॉडुलस में भी यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो और ये तो हमारा डेल्टा वी के लिए एक्सप्रेशन हो गया, और जो वी वी है हमारा उसके लिए सिंपली हमारा वी सरफेस एरिया इंटू हमारा डिस्टेंस यानी वी इंटू टी,
यानी कि जब हमारा टाइम जो था जीरो, तो उस वक्त हमारा वॉल्यूम बिल्कुल ये वाला था। अब इन सबको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, इस इक्वेशन बी में, तो मेरे पास रिजल्ट ये आता है बल्क मॉडुलस का, कि बल्क मॉडुलस जो है वो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी है। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू है, डेल्टा पी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है कि ये डेंसिटी इंटू वी डैश इंटू वी है, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी की वैल्यू जो कि हमारे पास है माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ गया डेल्टा पी की वजह से, और यहाँ पर माइनस एस वी डैश इंटू टी है, और ये वाला वी ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर एस वी और टी आ जाएगा। ये टी इस चीज़ से, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस से एस एस से, और ये वी वी का स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचने वाली जो चीज़ है, बचने वाली जो चीज़ है वो बच जाएगी हमारे पास इस तरीके से, कि अब हमारी जो डेंसिटी बल्क मॉडुलस है वो आएगा डेंसिटी इंटू वी का स्क्वायर। तो अगर मुझे वी के लिए एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी बी यानी कि बल्क मॉडुलस, और यहाँ पर वी का स्क्वायर, इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इस तरह से करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसका अंडरवुड ले लूँ दोनों साइड पर, तो वी का अंडर रूट इससे कैंसिल, क्योंकि स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि बल्क मॉडुलस जो है उसके एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशनशिप इस तरीके से आता है कि बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशनशिप आ जाता है, और इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। हालांकि उस स्पीड ऑफ साउंड में 60% एरर भी था, बट बेसिकली फार्मूला तो उसने ये वाला इस्तेमाल किया था ना, तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए उसने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो कहाँ से उसे मिला था। तो इस तरीके से न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला कैलकुलेट किया था।